सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसपे मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि आपको बीटेक करने जा रहे हो तो क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा कमेंट आया था कि आपने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी मैं इसी तरीके का वीडियो एक दो और आपको लाने वाला हूँ। तो ये वीडियो मैं आपको बेसिकली इसलिए ला रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने एडमिशन तो ले लिया, ठीक है, चलो BCCLE के थ्रू मैंने एडमिशन ले लिया, सेकेंड ईयर में जा रहा हूँ, मैंने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, कैसे मैं अपने फर्दर पढ़ाई को स्टार्ट करूँ, कैसे मैं मतलब बीटेक के लिए अपने प्रिपरेशन को तैयार करूँ, ठीक है, कैसे मैं चीज़ों को हैंडल करूँ, कैसे सिलेबस फाइंड आउट करूँ, कैसे नोट्स बनाऊँ, कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाऊँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आप बीटेक करने जा रहे हो, तो आपको खुद को मोटिवेटेड रखना होगा, खुद को अपने आप पे फोकस रहना होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको करने होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ों कैसे करनी है इसकी एक प्रॉपर वे मैं बताऊँगा। उस वे को आप यदि फॉलो करते हो तो मैं 1 से 1% गारंटी देता हूँ कि आपके जब सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे ना, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको इतना अच्छा मार्क्स आने वाला है, इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है कि आप अपने आप को फील करोगे कि पंकज भाई ने कुछ बताया था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे अरेंज करता हूँ कि आप बताओ कि आप अभी करने जा रहे हो बीटेक, तो हाउ टू यू स्टार्ट योर स्टडी, मतलब आप अपने स्टडी को कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ से क्या करने वाले हो, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप जा रहे हो BCCLE के थ्रू थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर दैट मीन कि सेकंड ईयर में जा रहे हो, तो सेकंड ईयर में जा रहे हो तो सबसे पहली बात है कि आपने जो डिप्लोमा करा था उसका सिलेबस कुछ और था, आप बीटेक करने जा रहे हो उसका सिलेबस कुछ और होगा, तो उसके सिलेबस को आपके पास होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड सिलेबस, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा, और कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करना था सबसे पहले उसको मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, फिर हम लोग मूव करेंगे कि क्लासेस कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनानी है, सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाई वन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करनी है। सो गाइस, जैसे कि मैंने पहली बात आपको बोली कि सबसे पहली बात जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस किस तरीके से आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो अभी आप जैसे BCCLE के थ्रू जा रहे होगे तो आप थर्ड सेमेस्टर में होगे, ठीक है, तो वो तो आपको सिलेबस केवल थर्ड सेमेस्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा कम्प्लीट बता देता हूँ, चूँकि आप जैसे थर्ड से फोर्थ में जाओगे, फिफ्थ में जाओगे, सिक्स में जाओगे, जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड होगे तो आपको पूरा सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरा सिलेबस ही एक बार डाउनलोड कर लो और एक बार रख लो, प्रिंट आउट निकलवा के, वो आपका हमेशा काम आने वाला रहेगा, ठीक है। या आप चाहो तो सेमेस्टर वाइज भी अपना प्रिंट करा लो और बाकी को आप डिलीट भी कर सकते हो अपने फ़ोन से। तो अभी आपको क्या करना है सिलेबस डाउनलोड करने के लिए, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है, उस पर क्लिक करना और यहाँ पर डायरेक्ट आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे में आप स्लाइड करके जाना, ठीक है, तो एक आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस में जैसे देखोगे तो आपको दो सिलेबस दिख जाएगा, एक ओल्ड सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है, और एक न्यू सिलेबस आया था। ओल्ड सिलेबस दैट मीन कि यहाँ पे 2017 तक जो है ना सिलेबस AKU का जो था वो थोड़ा दूसरा था, डिफरेंट था, और 2018 में इसको रिवाइज कर दिया गया था। तो अभी आप लोगों को जो पढ़ना है वो न्यू सिलेबस के तहत आपको पढ़ाई होगा, ठीक है। तो न्यू सिलेबस के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करना है, तो हर एक सेमेस्टर का आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड कैसे करना है, तो अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये सिलेबस रखा गया, ठीक है, उसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर के लिए रखा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में आप देख रहे हो कि थर्ड सेमेस्टर जो है वो ऑल ब्रांच के लिए, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो क्लिक हेयर लिखा हुआ अगर इस पर क्लिक करते हो तो ये थर्ड सेमेस्टर के जितने भी ब्रांच के हैं वो सभी डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के लोग देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसी को डाउनलोड करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई पर्टिकुलर ब्रांच रहा, जैसे कि आपका सिविल ही रहा, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे केवल सिविल का ही करना है, तो आप यहाँ से नीचे में स्क्रॉल करके ना, तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑल सेमेस्टर का ब्रांच, ऑल सेमेस्टर का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो सिलेबस डाउनलोड होगा वो सिविल का केवल रहेगा, और जो आपका डाउनलोड होगा वो प्रत्येक सेमेस्टर का हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एट तक होता है, तो एट तक का आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें से जो आपको थर्ड का पढ़ना है तो आप थर्ड का ही केवल प्रिंट करा लो और पढ़ना अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको ये चीज़ डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो सॉरी ये थोड़ा सा बैक हो गया, मैं हाँ वापस इसी पर आ जाता हूँ।
तो जैसे कि आप यहाँ पे सिलेबस देख पा रहे होगा कि यहाँ पे जो सिलेबस लिखा हुआ है वो सभी सेमेस्टर का लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है, बेसिकली थर्ड सेमेस्टर के लिए डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ न्यू सिलेबस थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑल ब्रांच के लिए, इसी पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। चूँकि यहाँ पर मेरे जितने भी ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के हैं, तो मैं सभी ब्रांच के लिए दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली जो है आपका बगल में जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक है, इस पर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर सिंपल आपका क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और क्लिक करने के बाद से थोड़ा देर आपको वेट करना होगा, और वेट करने के बाद से ये सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली गूगल ड्राइव में ओपन होता है, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये सभी सिलेबस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो वालों को क्या पढ़ने का पड़ेगा, सबसे बेसिक जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है, ये मैथमेटिक्स होता है जिसमें बायोलॉजी भी आता है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आता है। ये थर्ड सेमेस्टर में आप सब ठीक है। बाकी अदर ब्रांच के भी यहाँ पे सिलेबस दे रखा, तो अदर ब्रांच भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जिनका भी जो भी ब्रांच होगा वो देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि किन्हीं का ब्रांच होगा जो होगा वो आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हुआ, तो उनके लिए यहाँ पे दे रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से सभी ब्रांच का यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके अंदर में जाकर के आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आप यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कैसे करना है, तो डाउनलोड के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा डाउनलोड का, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। उस पर आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो ये फिर से एक पेज ओपन होगा, ठीक है। तो ये पेज ओपन हो रहा है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखिए ये पेज एक तरीका से ओपन हो जाएगा इस तरीका से, और नीचे में आपको एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू पीडीएफ का, तो ठीक है। तो आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके कोई सा भी ये पीडीएफ फॉर्म है आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ओपन हो जाएगा तो अब इसी के ऊपर में देखिएगा, तो यहाँ पे एक डॉट थ्री डॉट का निशान बना होगा, ठीक है। तो इस थ्री डॉट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से इसी में देखिएगा तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर सेंड फाइल। तो सेंड फाइल करके किसी को व्हाट्सएप पर सेंड कर लीजिए, वहाँ से भी आपको ईमेल मिल जाएगा। या इसी में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का, ठीक है। तो प्रिंट वाला भी आप क्लिक करके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट करोगे तो आपके वो फोन में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो थर्ड सेमेस्टर का सभी ब्रांच के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस यहाँ से सिलेबस आप डाउनलोड कर लो। और मैंने आपको चीज़ें जो भी बताना है वो चलिए मैं आपको एक एनालिसिस पेपर पर बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बता रहा था, ठीक है। तो आई होप कि मैंने अभी जो आपको सिलेबस डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस के थ्रू अब आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लिए होंगे। अभी के अभी आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आगे फर्दर सिलेबस डाउनलोड करने के बाद से आपको क्या चीज़ें करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। तो सिलेबस रहेगा तभी आपको ज़्यादा इफेक्टिवली आप अपने स्टडी पर फोकस रख पाओगे और अपने स्टडी को आगे फर्दर मोटिवेटेड रख पाओगे। तो सिलेबस डाउनलोड आपका हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो सिलेबस डाउनलोड करने के बाद से आपको सिंपल क्या करना है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपने सिलेबस डाउनलोड किया, दूसरी बात आपको क्लासेस स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्लासेस जब तक आप लगाओगे नहीं, क्लासेस चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको क्लासेस करने पड़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि डिप्लोमा बेसिस पर मैंने पढ़ किया तो मैं एग्जाम को पास कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पास करने के लिए भी एटलीस्ट आपके पास नोट्स होना चाहिए थे, ठीक है। आपको एक बार क्लासेस लगाने पड़ेंगे तभी चीज़ों को आपको समझ में आएगी। तो क्लासेस यहाँ से आपको क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। अब क्लासेस स्टार्ट करनी है तो क्लासेस के दो तरीके हो सकते हैं आपके करने का, ठीक है। एक हो सकता है आप YouTube से कर लो, ठीक है, या एक हो सकता है कि ऑफलाइन आप क्लासेस जो कॉलेज में क्लास चलते हैं उसके उनके लेक्चर को अटेंड करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास दो मोड हो सकते हैं, एक ऑनलाइन मोड, एक आपका ऑफलाइन मोड हो सकता है, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में दैट मीन कि आपका क्लासेस जो है वो आपका फैकल्टी वहाँ पर लेते हैं, प्रोफेसर वगैरह लेते हैं, तो आप क्लासेस रेगुलरली वहाँ पर अटेंड करो, ठीक है। या दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि आप काफ़ी सारे लड़का ऐसा होते हैं कि क्लासेस वगैरह जाना पसंद नहीं करते हैं, तो रूम पे ही रह के घर पे ही रह के वो अपने स्टडी को यूट्यूब से करते हैं या सब्सक्रिप्शन वगैरह रखते हैं या किसी के सीनियर के कांटेक्ट में होते हैं तो उनसे नोट्स ले लेते हैं, तो उस तरीका से भी वो लोग करते हैं। तो उस तरीका से भी वो अपने स्टडी को फर्दर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और एक अपना नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो वो तो बात हो गई, लेकिन मैं पर्सनली आपसे बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप क्लासेस ज़रूर स्टार्ट करो, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, कॉलेज में जाओ। कॉलेज में बहुत सारा एक्टिविटीज होती है, कॉलेज में बहुत सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है, कॉलेज से भी आप बहुत सारा चीज़ नॉलेज गेन कर सकते हो। तो आप एटलीस्ट कॉलेज जाओ, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉलेज जाओ,
कॉलेज से भी पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पैसा दिया जाता है फैकल्टी लोगों को आपको पढ़ाने के लिए, और आप ही नहीं जाओगे तो फिर एक माहौल नहीं बन पाएगा। तो एक माहौल बनाइए आप पढ़ाई का, जिस भी कॉलेज में है एक माहौल बनाइए आप पढ़ाई का। टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं फिर भी आप उनसे पूछिए, बार बार उनसे पूछिए, एक दो चार बार पूछिए, वो आपको जरूर समझ जाएगा कि लड़का पढ़ने वाला है, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप क्लासेस कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद से जो भी क्लासेस होंगे उसके बाद से जो भी क्लासेस आप कर रहे हो, जो भी आपके पास सिलेबस है उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब नोट्स मेकिंग के तरीके क्या हो सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आप डिप्लोमा में पढ़ोगे तो डिप्लोमा में भी आपको काफ़ी सारे चीज़ों पढ़ा हुआ मिलता है, तो उसका भी एक आप पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना तो आप उसका भी एक जो है लिस्ट बना कर रखते हो कि क्या चीज़ें मैंने पढ़ी है और क्या चीज़ मेरे पास नोट्स है। तो हो सकता है आपके पास वो नोट्स हो तो उस नोट्स में भी कुछ आप कुछ स्पेस अगर छोड़ोगे तो उस नोट्स में भी आप कुछ ऐड कर करके आप अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हो बीटेक के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, या आप पर्सनली आप चाहते हो कि बीटेक के लिए एक अलग ही नोट्स बनाओ तो उसका एक नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। जब जैसे नोट्स बन जाएगा तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम आएगा ना तो उसको टाइम टू टाइम आप रिवीजन कर सकते हो। टाइम टू टाइम रिवीजन करने के बाद से प्रॉपरली आप उस चीज़ों को समझ सकते हो, तो एक काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलियत मिलती है, इफेक्टिवली आपको चीज़ों को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है जब आपके पास नोट्स होता है। तो नोट्स बनाने के बाद से फ़ायदा यही है कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और जैसे रिवीजन करोगे तो एक मिड सेमेस्टर आता है, जैसे कि हम लोग इसमें इंटरनल देते थे ना बीटेक डिप्लोमा में, उसी तरीके से यहाँ पर मिड सेमेस्टर आएगा, तो मिड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी क्लास अटेंड करोगे तो उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो उस बेसिस पे आप मिड सेमेस्टर भी देना चाहते हो तो मिड सेमेस्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा जब आप प्रॉपर नोट्स बनाए रहोगे तो, ठीक है। अब मिड सेमेस्टर के दौरान ही आपका जो है मिड सेमेस्टर के बाद से आपका प्रैक्टिकल होता है और वाइवा भी होता है, तो दोनों चीज़ होता है, तो उस चीज़ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपका नोट्स मदद करने वाला रहेगा, क्योंकि जो टीचर आपके क्लास में पढ़ाते हैं वही टीचर वो प्रैक्टिकल के लिए भी आपको बोलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उस चीज़ को प्रैक्टिकल आप कर पाओगे जब आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेगा, ठीक है। और वाइवा भी जब आपका होगा तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस समय पर भी आप जो क्लासेस में पढ़ाया गया उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन अराइज होता है, तो उस चीज़ों को भी आपको भाई बाप देने में भी ये काफ़ी ज़्यादा आपका नोट्स मदद करने वाला रहेगा, तो नोट्स भी बनाना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद से आपका एक्सटर्नल एग्जाम आ जाता है, एक्सटर्नल एग्जाम में बेसिकली आप जो भी पढ़े रहते हो वो बोर्ड एग्जाम लेती है, तो बोर्ड के थ्रू भी आपका एग्जाम देना होता है, तो उसका नोट्स जो है अगर आप पढ़ के जाओगे तो क्लासेस का सिलेबस वहीं पढ़ा है आपने वहीं चीज़ करा है, तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा से आपको एग्जाम देने में मज़ा आता है और पढ़ के चीज़ों का अच्छा से जाते हो, ठीक है। उसके बाद से आपका रिजल्ट पब्लिश होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा फील होता है, जो कि इतना मेहनत किए हो, नोट्स बनाए हो, प्रॉपर रिविजन किए हो, क्लासेस अटेंड किए हो, सिलेबस है आपके पास, तो सब चीज़ें आपके पास होती है तो एक रिजल्ट भी आपका बेहतर ही आता है, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। उसके बाद से आप जैसे रिजल्ट आते हो तो उसके बाद से आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जंप हो जाते हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप फॉरवर्ड हो जाते हो, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जिस प्रोसेस के थ्रू आपका स्टडी करने वाले का एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया है, और इसी तरीका से आप जो है अपने आप को एक प्रॉपर वे में ले जाइए, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा अपने एम पे, और मैंने कल जो वीडियो बताया था उसमें भी बताया था कि आपको कैसे चीज़ों को क्या करनी है नहीं करनी है, तो उस चीज़ों को आई होप आपने देखा हुआ, नहीं देखा हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर के कल वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि एक जो मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि किस तरीका से आपको अपने स्ट्रेटजी को स्टार्ट करना है, कैसे अपने स्टडी को फर्दर आपको मूव करना है, तो एक प्रॉपर वे में मैंने बता दिया, आई होप कि इसको फॉलो करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने आने वाले छोटे भाइयों बहन से आप रिक्वेस्ट करिएगा कि इस पे BCCLE का क्लास मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इस चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा, वो लोग भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो उनको फर्दर 2022 के लिए जो भी BCCLE का एग्जाम होगा उनके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलते रहेगा, और AKU के जो भी अपडेट आएंगे इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।